अस्सलाम वालेकुम। मेंटल एज टेस्ट। अक्सर लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो दिखने में बड़ी एज के लगते हैं, पर उनका दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह होता है। और अक्सर आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो होते तो बच्चे हैं पर उनका दिमाग बहुत तेज होता है और वो बड़ों को भी मशवरे दे रहे होते हैं। तो आज का टेस्ट यही होने वाला है। देखते हैं आपकी एज और आपके दिमाग की एज एक ही है या फर्क है, और इससे पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना तेज है और आप किस तरह के इंसान हैं और आप क्या सोचते हैं। तो फिर रेडी? ये टेस्ट बिल्कुल सिंपल सा है। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उन सवाल के साथ आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। जो आपका सही जवाब हो वो आपने चुन लेना है, और हर एक जवाब पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। जवाब के साथ आपको जितने भी पॉइंट्स मिले आपने उन पॉइंट्स को लिखते जाना है, और लास्ट में उन पॉइंट्स को जमा करके उन पॉइंट्स की बुनियाद पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मेंटल एज कितनी है। तो फिर रेडी? नंबर एक, इनमें से कोई एक जानवर सोच समझ के चुन लें जो आपको पसंद हो। ए, बी, सी, डी या फिर ई, चुन लें। आपका टाइम शुरू होता है अब से। अगर आपने ए चुना तो आपको मिले 40 पॉइंट्स, अगर आपने बी चुना तो आपको मिले 20 पॉइंट्स, अगर आपने सी चुना तो आपको मिले 50 पॉइंट्स, अगर आपने डी चुना तो आपको मिले 10 पॉइंट्स, और अगर आपने ई चुना तो आपके हुए 30 पॉइंट्स। नंबर दो, मीठे में आपको क्या पसंद है, कोई एक चुन लें। ए, बी, सी, डी या फिर ई, चुन लें। आपका टाइम शुरू होता है अब से। अगर आपने ए चुना तो 20 पॉइंट्स, अगर आपने बी चुना तो 30 पॉइंट्स, अगर आपने सी चुना तो 50 पॉइंट्स, अगर आपने डी चुना तो 10 पॉइंट्स, और अगर आपने ई चुना तो आपके हुए 40 पॉइंट्स। नंबर तीन, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इनमें से कोई एक चुन लें। ए, बी, सी या फिर डी, अगर आपने ए चुना तो 50 पॉइंट्स, अगर आपने बी चुना तो 20 पॉइंट्स, अगर आपने सी चुना तो 40 पॉइंट्स, अगर आपने डी चुना तो 30 पॉइंट्स, और अगर आपने ई चुना तो 10 पॉइंट्स। नंबर चार, इनमें से कोई एक शेप चुन लें, कोई भी एक जो आपको अच्छी लगे। ए, बी, सी, डी या फिर ई, अगर आपने ए चुना तो 30 पॉइंट्स, अगर आपने बी चुना तो 50 पॉइंट्स, अगर आपने सी चुना तो 10 पॉइंट्स, अगर आपने डी चुना तो 20 पॉइंट्स, और अगर आपने ई चुना तो आपके हुए 40 पॉइंट्स। नंबर पांच, आपकी जिंदगी में पैसों की क्या अहमियत है, या आपके लिए पैसे कितना जरूरी चीज है। ए, मेरे लिए पैसे बिल्कुल जरूरी नहीं। बी, मेरे लिए पैसा कुछ खास जरूरी तो नहीं, बस पैसा कभी कभी हमारी जरूरत तो पूरी करता है। सी, मुझे लगता है पैसा कुछ हद तक बहुत जरूरी चीज है। डी, मेरे लिए पैसे काफी अहमियत रखते हैं। या फिर ई, मेरे लिए पैसे बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इनमें से कोई एक चुन लें। अगर आपने ए चुना तो आपको मिले 10 पॉइंट्स, अगर आपने बी चुना तो आपको मिले 20 पॉइंट्स, अगर आपने सी चुना तो आपको मिले 30 पॉइंट्स, अगर आपने डी चुना तो आपको मिले 40 पॉइंट्स, और अगर आपने ई चुना तो आपके हुए 50 पॉइंट्स। नंबर छह, अगर बारिश हो रही हो और मौसम बहुत प्यारा हो तो आप घर पर बैठ के क्या करते हैं। ए, मैं सो जाता हूँ। बी, मैं मूवीज देखता हूँ। सी, मैं खाना बनाता हूँ। डी, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। या फिर ई, मैं गेम्स खेलता हूँ। तो सोच के बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो क्या जवाब है आपका? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आपने ए चुना तो 50 पॉइंट्स, अगर आपने बी चुना तो 20 पॉइंट्स, अगर आपने सी चुना तो 40 पॉइंट्स, अगर आपने डी चुना तो 30 पॉइंट्स, और अगर आपने ई चुना तो आपको मिले 10 पॉइंट। नंबर 7, क्या आप अपनी सेहत के लिए परेशान रहते हैं? ए नहीं, बिल्कुल नहीं। बी थोड़ा सा। सी हाँ थोड़ा सा, पर मैं ख्याल रखता हूँ। डी हाँ मैं सेहत के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। या फिर ई हाँ सेहत बहुत जरूरी चीज है। इनमें से अपना जवाब चुन लें। आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? अगर आपने ए चुना तो आपके हुए 10 पॉइंट्स, अगर आपने बी चुना तो आपके हुए 30 पॉइंट्स, अगर आपने सी चुना तो आपके हुए 20 पॉइंट्स, अगर आपने डी चुना तो आपके हुए 50 पॉइंट्स, और अगर आपने ई चुना तो आपके हुए 40 पॉइंट। अब बारी है रिजल्ट्स की। अब आपने अपने उन सारे पॉइंट्स को जमा कर लेना है। तो कितने पॉइंट्स बने आपके? अगर आपके पॉइंट्स 100 से 160 के दरमियान है तो आपकी मेंटल एज 5 से 12 साल के दरमियान है। आप हर वक्त खुश और बच्चों की तरह मजे में रहते हैं। आप फुल ऑफ एनर्जी हैं। और हो सकता है कभी कभी आपको आपकी ये आदतें अच्छी ना लगती हों। अगर आपके पॉइंट्स 170 से 220 के दरमियान है तो आपकी मेंटल एज 13 से 20 साल के दरमियान है। आप मिक्स हैं जिम्मेदारियों और फन में। कभी कभी आप अपनी जिम्मेदारियों का सोचकर उदास भी हो जाते हैं। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो कोशिश करें अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो दें और साथ में अपनी खुशी का भी ख्याल रखें। अगर आपके पॉइंट्स 230 से 270 के दरमियान है तो आपकी मेंटल एज 21 से 30 साल के दरमियान है। आप समझदार हैं और आप हर बार अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा वही काम करते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, और जब जरूरत होती है तो आप बहुत ही सीरियस और जिम्मेदार इंसान बन के दिखाते हैं। अगर आपके पॉइंट्स 280 से 310 के दरमियान है तो आपकी मेंटल एज 36 से 45 साल के दरमियान है। आप एक समझदार और मैच्योर इंसान की तरह सोचते हैं, और आप समझदार हैं और आप अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखते हैं। और अगर आपके पॉइंट्स 300 से 350 के दरमियान है तो आपकी मेंटल एज 50 साल से ऊपर है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपको चाहिए वो कैसे हासिल किया जा सकता है। वैसे तो आप इंजॉय करते हैं, पर काम के वक्त आप चीजों पर काफी तवज्जो देते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो बस टोटल कितने पॉइंट्स बने थे आपके, और जो जवाब मैंने बताया आपके हिसाब से वो कितना परसेंट दुरुस्त था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।